हर एक को आदाब अरशो। आवाज जहां तक पहुंच रहा है तो जरूर आप लोग को हम याद कर रहे हैं। आप लोग शायद सुने होंगे कि फ्रांस मिलिटेरन और सूरीनाम्स मिलिटेरन ये मरवेन रिफीर वहां पर ज्यादा तौर पर फ्रांस मिलिटेरन यानी पत्रियर करता था, मतलब कि वो लोग कानूनन तौर पर वो लोग को काम है ऑन द सुक करने के लिए कि रीबा पर क्या होता है। अखबार के जरिए खबर मिला कि 25 सितंबर को फ्रांस मिलिटेरन एक सुरीनाम से अंडरनेमर का कालियान उसे टोप से उड़ा दिया गया है। मतलब हम आपको समझा दें ठीक से, ये मरवेन रिफील पर स्कालियन जो बड़े बड़े बोट पर बनावा गया है सोना खोजने के लिए रीवा से, वो मरवेन रिफील पर सूरीनाम के ऑन द नेमर्स कुछ स्कालियन से सोना वगैरह ये लोग खोजते हैं। अब फ्रांस मिलिटेरन इस रीवा मरवेन रिफील पर यानी कि ऑन सुक कर रहा है, बोट चला करके देख रहा है के आता है के जाता है के क्या करता है वगैरह वगैरह, जो हर एक पत्रीय बोट या मिलिटेर को फ्रांस पर करना चाहिए। और ये फ्रांस मिलिटेर ये क्या, और एक्सकालियन देखिए ये लोग कहीं आसपास में, तो फ्रांस मिलिटेर इस कालियान को आग लगा दिया एक सूरीनाम से और नीमर का जो है। सूरीनाम की सरकार इस समस्या के बारे में सहमत नहीं हुआ फ्रांस मिलिटेर से और फ्रांस खुयाना से फरक्रारिंग यानी फ्रांस खुयाना से सूरीनाम के यूस्टिसी सूरीनाम के पुलिस सूरीनाम का सरकार वो चाहते हैं कि फ्रांस ऑथोरिटेटन फ्रांक यानी कि फ्रांकराइक और फ्रांस खुयाना की सरकार इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करके सूरीनाम की सरकार के हवाले करे कि कारण क्या है कि फ्रांस मिलिटेरन सूरीनाम से स्कालियन को आग लगा दिया। भाई बहनों, कल फ्रांस अंबेसडर अंतवन जोली इस पर अपना विचार किया, अपना रिएक्शन दिया है सूरीनाम के सरकार को। सूरीनाम के सरकार को आकर के कहा कि जहां पर ये सूरीनाम के अंदर नीमर का स्कालियान था वो सरनाम का जमीन नहीं है, वो सूरीनाम के जमीन नहीं है। ऐसे खेन शुफ रेन रेहत खुशखोंदन इन द क्वेस्टी फॉर मरवेन रिफीर इंसिडेंट ऑन द फ्रांस कांट। ये अंतोन जोरी रिएक्शन दिया है कि जो सूरीनाम के अंदर नीमर का स्कालियान में आग लगा दिया गया है मरवेन रिफील, वो सूरीनाम के रीवा सूरीनाम के जमीन वहां पर नहीं है, सूरीनाम के सुफरेन रेक्सिस लोग कहते हैं उसमें कोई दखल अंदाज नहीं है। प्यारे प्यारे लोग, इस बात से आबोब का फ्रैक्सी सहमत नहीं है।
अब आपका फ्रैक्सी जो सूरीनाम के पार्लियामेंट है, बोले जो ये फ्रांस मिलिटेर है, फ्रांस ऑथोरिटेट है, फ्रांस मिलिटेर जो सूरीनाम का अंदर नेमर या आन नेमर का स्कालियान में आग लगा दिया है, वो सरनाम के जमीन पर है, वो सरनाम के जमीन पर हुआ है। ये फ्रांस ऑथोरिटेटन जो प्रेस फरकलारे में दिया है कि जैसे वो जो आग लगा है जिसमें वो सरनाम के रीबा सरनाम के जमीन नहीं, वहां फ्रांस हुयाना के जमीन, तो अब फ्रांसी इस बात से सहमत नहीं है और कहते हैं कि वो सरनाम के जमीन है, वहां पर सरनाम के कारोबार होता है, इसलिए सरनाम के बगल रीबा के बगल में ये आग लगा है, न फ्रांस कांत, ये सूरीनाम के बगल में, क्योंकि रीबा में एक वो है लिंकर कांत, वो फ्रांस कांत है, और एक रेक्टर कांत वो सूरीनाम के तरफ है, और ये आग जो लगा है ये है रेक्टर कांत सूरीनाम के जमीन के बिल्कुल बगल में। भाई इसलिए आबोप सूरीनाम के सरकार को चेतावनी दिया कि अगर फ्रांसन 2 किलोमीटर सूरीनाम के जमीन पर आ सकते हैं या सरनाम के सिपाही 2 किलोमीटर फ्रांस को याना में जा सकता है, और जो अब ये स्कालियान में जो आग लगा है तो फ्रांस रखेरे को सबसे पहले वो कानून पर ध्यान रखना चाहिए जो सूरीनाम और फ्रांस को याना बनाया है कि हर एक का कारोबार के लिए फ्रांस ऑथोरिटेट मिलिटेर 2 किलोमीटर सरनाम के जमीन पर आ सकता है, और सूरीनाम के पुलिसी फ्रांस गुयाना के जमीन पर 2 किलोमीटर जाकर के अगर कुछ बात उनसे करना है, अगर कुछ देखभाल करना, तो ये जा सकता है। याबोब के कहना कि सरनाम के जमीन सरनाम के जहां हक है, जहां सरनाम के बोलबाला है, वहां पर इस कालियन में आग लगाया है, इसलिए जो फरद्रख बनल है 2 किलोमीटर खरंस के फरद्रख, जिस पर अब आबोब शक करने लगा, इसलिए आबोब एक फरकार दिया है, वेफन आबोब ऐसे न्यू डट फरद्रख मुत वर्डन अपगेशोर्ट। आबोब का फ्रैक्सी जो पार्लियामेंट में है, जो असेंबली में है, एक फरकलारिंग दिया है इसके बारे में। ये लोग फ्रांकरेक के या फ्रांस गुयाना के अम्बेसडर से सहमत नहीं है कि जो स्कालियान में आग लगा वो फ्रांस गुयाना के जमीन है, फ्रांस गुयाना का टेरिटोर है, तो इस बात से आबोब सहमत नहीं है। आबोब कहते हैं Weifat Abob Eisen, nu dat het verdrag moet worden opgeschort, totdat duidelijk is wat de exacte grensgebieden, inclusief de eilanden zijn. Abob-fractie is basis zijn het niet heb. Abob-fractie oneens met verklaring Fransen. Mungkin hij die is kalian heel ook kahoga, en je ook jante hem, कि ये लोग का स्कालियान फ्रांस कांत नहीं लेकिन सूरीनाम से कांत, सूरीनाम की तरफ है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं आग जिसे लगा ये है रीबा, जहां सूरीनाम उस लोग खड़ा है, वहां बगल में ये स्कालियान है जिसमें आग लगा है। भैया जी, इस वक्त आप जानते हैं कि हर एक पॉलिटिक पार्टी जो आने वाले चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, हर एक अपना अपना कारोबार शुरू कर दिया है, और हर एक पार्टी ही चतानी होने लगा है। श्रीमान ग्रेगरी रसलान एनपीएस का फोर्सिटर ये चाहता है
की नेशनल असेंबली में जो रिहियरिंग गुजारिश की है कि सर नेशनल असेंबली रिहियरिंग को मांडात दे, मख्तक कर दे कि वो जा करके ब्रकोपोंडो ऑफरिंग कॉम्स जैसे सरकार चाहे एक अच्छा फैसला के लिए सरकार को मांडात मिल जाना चाहिए मख्तकिंग कि वो जा करके और अमेरिकानन से अल्कोवा से या शिरालकू से ये जा करके अंदर हैंडल करे। ग्रेगी रिसलांट इस बात से सहमत नहीं है। Deze regering wil door de Nationale Assemblee gemachtigd worden om naar eigen bevindingen zaken met betrekking tot de wijziging van de Brokopondo-overeenkomst af te handelen. Ja, admiraal Rusland wil een zeer gevaarlijke zaak. NPS-fractieleider en ex-minister van natuurlijke hulpbronnen Gregory Rusland. Bolle is een zeer, zeer gevaarlijke zaak. Ki hab log agar machtiging sarkar ko de de. Ki ye sarkar. Ja tu baat kar alkova se. Jonchi tu tuhare dekhne mein jo fayda hai. Baatchit kar kar ke. Wo Surinam ke liye koshish kar ke lao. ये आदमी रुसलान बोले बप्पा ये बड़ी खफारलक वाला चीज है कि हम सरकार को मख्तकिंग दे नहीं हम लोग को मख्तकिंग नहीं देना चाहिए क्योंकि ये समस्या जो चल रहा है अल्कोवा ब्रकोपोंडो ऑफरिकॉम्स इज अ जेर खफारलक सिचुएशन सेक्ट ग्रेगरी रुसलान बप्पा रे बप्पा देखो क्या होने को जा रहा है क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं प्रेसिडेंशियल कमेटी श्रीमान दिलीप सरजू जो फोर्स सेटर है कल तो रारिका में पेर्स को जनता को जो कमेटी प्रेसिडेंशियल कमेटी जो अल्कोवा सुरालकू से जो बातचीत की है जो फैसला किया वो सामने रखें वो लोगों को गुफ्तगु करने के लिए डिस्क्यूशन करने के लिए हमारे भाई बहनों लेकिन आज पता चला कि रुसलांट उनका विचार जो पार्लियामेंट को एक मांडात देना चाहिए रखेरें को कि वो मनमानी जाकर के काम करे शिरल को या वगैरह से dan is dit een zeer gevaarlijke situatie. Al ham kijkt hij, ki ham log ko ye mandaat regering ko nahi dena chahiye. Wij moeten geen situatie krijgen als het memorandum of understanding MOU uit 2015 welke compleet is afgewezen door de hele DNA. Maar de regering rustig door is gegaan op die voet die zij had uitgezet. Met alle gevolgen van dien. NPS gekana. Als de Abielo Nationale Assemblée mee. Ik mag er geen chata he. Brokopondo overeenkomst kelie. De Nationale Assemblée mee. Je mandaat regering kon niet meer laten chahie. Je Rusland gekana he. अरे भैया अरे सूरीनाम के तमाम जनता तुम्हारे देश सूरीनाम में काका बहुत मौज है ये पॉलिटिक पढ़ते ही रखेरे ये तो अपना काम करता ही है लेकिन प्रभु जो है प्रभु परमात्मा जो है हमारे देश जनता को कहीं तकलीफ में नहीं पहुंचाया कहीं तकलीफ नहीं दी जैसे इस वक्त इंडोनेशिया में हो रहा है इंडोनेशिया में भाइयों बहनों
सुनामी के बारे में आप जानते हैं, अब हम आपको बताएंगे काकी ये सुनामी क्या चीज है। अब जैसा आप रीवा के किनारे रहते हैं, रीवा के किनारे घर द्वार है, तुम्हें 15 गो गाय है या 2 गाय है, 4 गो वगैरह वगैरह बकरी है, मुर्गी मुर्गा है, लड़कन है, सब कोई रीवा के किनारे आप लोग घर बना करके और बड़ी प्यार से रहते हैं। अचानक एक रोज आप क्या देखें काकी, लगभग 5 मीटर 10 मीटर ऊंचा 15 मीटर ऊंचा ऐसे एक हल्फा आवत है, रीवा से उठल है हवा के साथ। इस वक्त जमीन हिल रहा है और घर हिल रहा है। आप जैसे कि कहा हम तुम्हें और बताई, अब पनिया आवत है तो भाग के कहा जाइए, तू तो वो आवत है तोहरे ऊपर पानी पास होकर के घर द्वार सब उठा करके ले जाते है, बहावत ओहावत ले जाते है, पैर उखड़ते जाते है, बड़े दूर तक तो मोटर गाड़ी बह करके जाते है, सब मुर्गा मुर्गी वही पानी में दोक्षा दोक्षी और सब कोई बह करके जाते है। ये सब तमाशा उन मुल्कों में होता है, हम लोग के मुल्क में नहीं। आपको बताना चाहूंगा वहां के फ्योलकान जो भी है पहाड़ डगाई से उसमें से आग निकलता है। अरे बप्पा रे बप्पा, प्रभु परमात्मा ने ये सब चीज सरनाम में नहीं करवाया। 1400 जनता इस वक्त वो पानी के अंदर और चाहता के नीचे आ गया है और देहांत हो गया है काका, जो सरनाम में ये सुनामी नहीं आता है। जब वैखनासी की बात आप सुने पानी ऊपर आए पानी, लेकिन एक रोज अगर 2-3-4-5 मीटर पानी और ऊपर रहेगा तो समझ जाओ कि सरनाम के ऊपर पानी भी आने वाला है या आ सकता है, जो हम लोग समुन्द्र के किनारे खिलवाड़ कर रहे हैं। समुन्द्र के किनारे हम लोग जो खिलवाड़ करते रहते हैं, इंडोनेशिया में इस वक्त 1400 लाशें पड़ल है, रोजाना लोग जाकर के दफन करे है, कोई के पत्नी, कोई के पति, कोई का बीबी, कोई का मान, कोई के लड़कन, कोई का पूरा परिवार, 1400 लोग की मौत हो चुका है। वहां सुनामी की बात हम कर रहे हैं और वहां जमीन जब हिला है लोग कहते हैं आर्थ बीफिंग, बहुत से नुकसानी हुआ है, जो चीज हम लोग के देश में नहीं होता है। हम लोग के देश में ये सब चीज नहीं होता, तनी से हवा आई 2-3-4 गो सिंक प्लांट उड़ गए तो यहां पर देखो भैया हल्ला दंगा, तो यहां पर कोनो काज नहीं, कहां कहां के लोग दौरत है, वहां बोले 15 मिलियन लगी तो 4 मिलियन वहां लगी, तो वहां तनी से हवा आया और एक दो सिंक प्लांट उड़ गया। लेकिन बेल्टर लाम पे जो होता सुनामी जापान में हुआ, चीना में हुआ, अब इंडोनेशिया में हुआ, घर द्वार उठा ले जाता पानी, जब पानी उतरे तो घर पते ने कहा, हम बात करी लाभ से। इतना मौज दुनिया में है सरनाम, लोग हमेशा बोलते रहते भैया स्वर्ग कहां है, नहीं देखे स्वर्ग, स्वर्ग सूरीनाम में है। जन्नत जन्नत कहां लोग बोलते रहते, अरे जन्नत तो सूरीनाम में है, लेकिन यहां पर एक दो जाने कैसे हम उसको कहे, एक दो चोर चंडाल लुटेरा रहते हैं जो हम लोग को ठीक से रहने नहीं देते इस मुल्क में। ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरा, ये बदमाश बड़े बड़े कुर्सी बैठ करके डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, लूटमार करते हैं, गरीब जनता के खून चूस रहे हैं, लेकिन देश के लिए कि कहीं घर उड़ गया, कहीं देश बुड़ गया, ये अभी तक सरनाम में नहीं हुआ। क्योंकि सरनाम को प्रभु चाहता है, यहां के जनता को चाहते हैं, देश को चाहते हैं, लोगों को प्यार करता है, इसलिए ये देश में वैसा चीज अभी तक नहीं हुआ जिससे हम लोग कह सकते कि हम लोग की जिंदगी यहीं तक है। नहीं, दूसरे मुल्कों में देखो तो कैसे वहां के लोग
के साथ क्या क्या हो रहा है, तो हम लोग उन परिवार के दुख में साथ शरीक है प्यारे प्यारे लोग ना। आगे चल करके काका तो सुनिए तमाशा, तेरे देश में जो जो चीज हुआ है, जो अखबार ने लिखी से प्यारे, हम वो तुम्हें तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा रहा हूं। एक फरका फलार जो जमीन फरका फल करके बेचता है जमीन, उन्हें तीन चार लोग मिलकर के 310,000 यूरो लूट लिया है। हम तो क्या बताएगा काका, तनी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि छोटा चोर भी है जसवा में और बड़का चोर भी है। बड़ा चोर के बारे में अब बात करना चाहूंगा। बड़ा चोर है, नाम सुनियो, बड़ा चोर का नाम हम लेने जा रहा हूं मार्सियानो एम एस फाबियन ख्रोट फैम स्टेला बे। सुनिए ये सब क्या किया है, ये सब मिल करके एक फरकाफलार को जो फरकाफल बना करके बेचता है, ये सब जा करके उस आदमी को जमीन बेच करके दिया है। अब सुनिए तमाशा, एक जमीन टूलिफो कनाल, यही सब जा करके और वो फरकाफलार को 115,000 यूरो में वो जमीन बेच करके दिलवाया है। नोटारस के कागज बनल है। यही चार लोग फिर से जा करके एक दूसरा जमीन दीब क्रॉन्टवेक और फेफन तख्त, वहां पर और फेफन तख्त डिजन यूरो बिका, एक है 115,000 यूरो और एक है 185,000 यूरो, 310,000 यूरो। ये सब नोटारस के पास जा करके एक्ट बना है, सब कुछ बनल और फरका फलार इंजिन का नाम बज लिया मार्सियानो एम फाबियन एस होल्ट फार्म और स्टेला बे। इन लोग को 310,000 यूरो पैसा दिया उन लोग के हाथ में, नोटारस के कागज बना। ये आदमी है फर्रेक्ट बटालिंग बे नोटारस से आप जाने की ये नोटारस के है। ए भैया, नोटारस से जब पूछी से आदमी अकफर काफला, नोटारस ये सच्चे ठीक है फंड नोटारस क्री है तो ओरन दैट आलस खुद वास। प्यारे प्यारे लोग, थोड़े दिन में खबर मिला कि पहला जमीन एक फाल्स जमीन है, ये लोग एक चोरी करते और कागज पत्तर बदल उदल करके, तब ये आदमी दौड़ने लगा तो पता चला दूसरा जमीन भी नकली कागज बना करके और ये सब नोटारस के साथ मिल करके और ये जमीन बिका है 310,000। अब पता चला कि ये जमीन जो वो खरीदे हैं, नोटारस जो कागज पत्र बनाया हुआ है, ये सब नकली चीज बनल है। ओक है ट्वेडी पैसे ब्रेक अख्तर आफ फॉर एन अंदर प्रश्न से। अब ये लोग ने गिरफ्तार हुआ। अब नोटारस को बार बार चिट्ठी जाते हैं कोर्ट में जाकर के बयान देने के लिए। नोटारस से वर्थ एंड पार केर खदाक फार्ज मार फर्शी नीट। नोटारस से को कई मरतबा डरवार के जरिए रास्टर के हुक्म से उन्हें चिट्ठी मिला कि नोटारस के आकर के यहां बयान देना चाहिए कि कौन कागज बनाई से ये दो जमीन का, जो आदमी 310,000 यूरो जाकर के इस आदमियों को दिया है।
नोटारस सेई को कई मरतबा डक फाड़ दी लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाता है। रेक्टर कल हुक्म दिया ड्योरवादर के अपुनिची के एरवेट दारों मई द ब्रिंगिंग फन द नोटारस खलास्त। अब हुक्म मिला है सिपाही को ड्योरवादर को कि नोटारस को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाने के लिए। ड्योरवादर कल कोर्ट में कहा रेक्टर द ड्योरवादर हेल द रेक्टर फॉर दैट द नोटारस नीट इन अटलांट इस वो सूरीनाम में नहीं है। हमारे सूरीनाम के जनता नहीं खटिन दिसंबर को यह मुकदमा फिर से चलेगा कि कैसे लोग दूसरा का जमीन के नकली कागज बना करके नोटारस के पास जा करके और नोटारस भी फॉल्स कागज बना करके और लोगों से ढेर ढेर पैसा ले लिया करता है। यहां पर जो मामला भय है 303,000 यूरो जो नोटारस के कंटोर में वो फरकाफ लाल इन सबके दिया और पीएल तो अब जेल में है लेकिन नोटारस लापता है। ए मौसी भला तू बताइए तो आप देश के अंदर में कौन सी जो होता है और मेरा काम तो है आपको बताने के लिए। सुनिए द पुलिस श्रीमान बिशुन दत्त पेई ये आदमी अभी जेल में है। पुलिस श्रीमान बिशुन दत्त पेई दी ऑनर मेर फरदाख्त वर्थ फन हेट फर्स्ट्रेकन फन पुलिसी एट्रीब्यूटन आन जैन फ्रीडन कहिए कुछ कहिए किरण कुमार एर श्याम खे फॉर हेट प्लीजन फन स्ट्रफबार फेटन जिस द पुलिसी मान ब्लेक आंखोडन। अब हम जो काम जो क्या बताए काकी ये दो लौंडन जिसका नाम किरण कुमार एर और श्याम खी ये दोनों पुलिस के पास कौन बयान दिया है यह ऑफिसियल फॉर यूस्टिसी एक फरक्लारिंग जो श्याम खे और किरण कुमार पेई ने जो फरक्लारिंग पर दस्तखत की है वो फरक्लारिंग ऑफिसियल पढ़ करके कोर्ट में सुनाया है। कल सुनिए क्या बात है। द ऑफिसियल फॉर यूस्टिसी जय दट एट फरक्लारिंग दट श्याम खे Gee bleek dat hij op 19 maart 2017 9 uur spullen bij Bison dat P ging halen. Samzende, je kent dat hij die we jaken ke politie uniform je subtiel we halen ja heb. Dus Salabat Sham Gee verklaart dus Kiran Bolja Sham Gee verklaart dat hij 3 uur een zak met spullen waarin een politieuniform moest zijn ontving van Bison dat P om die later te gaan verbranden. Jab ye sab baat khulasa ho gaya to Sham Gee kaha ki hame ego pakket mila oman ek politieuniform raha politie ne mujhe diya कि एक जाकर के तुरंत जला देना। ऐसन ऐसन बात है बप्पा। यह मुकदमा अभी तक जारी है। ऑस्कर कोलन मी बॉय किरण कुमार शाम को रिहाई करने के चिरौरी किया। रेक्टर बोले नहीं 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 सिंथिया फाउलस्टेन मोंटनर वेस हेट वर्सुक फॉर राजलीडन ऑस्कर कोलन रॉबिडेंस अप। बोले ना 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 हम इन दोनों को किरण कुमार और श्याम को रिहाई नहीं करेंगे क्योंकि ये यही दो मिला पुलिस के पकेट पक पहन पहन करके और लूटमार करने सूरीनाम में। अब देखो 9 दिसंबर को क्या बात होगा। एक ट्रिक भैया
एक तरफ तो देखिए कि ऐखनार कितना लकड़ी लादे हुए है ऊपर, एक 3 टनर या 12 टनर कितना काज, कितना पहिया हम देखिला, ये सब लाद करके ट्रक शोफेर रंट आउट पारामारिबो से निकेरी को जा रहा है। लादी से भैया ए ऊंचा जैसे पहाड़े, ट्रक शोफेर पहुंचा बेरन साइड करोगी, वहां कंट्रोल के लिए स्टॉप करी सिपाही, स्टॉप 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 स्टॉप, बोले क्या मामला है, तो वो कागज पत्तर नहीं दिखा पा रहा है कि लकड़ी कहां से काटल है, केकर है, कैसे 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 बात। बस सिपाही ट्रक को बसलाख में ले लिया, लकड़ी को बसलाख में ले लिया और आर्मी से कहा 110,000 एसआरडी लाने के लिए अगर तू पिकअप और लकड़ी को ले जाना चाहते हैं तो 110,000 जा लगेगा। जब पुलिस नाम दी ट्रक, द ट्रक मेट हैट राउंड आउट इन बसला ना दैट द मान एंड बूट फंस 110,000 बताउट हैट वेयर्ड है इन फ्रीहेट हॉस्टल। लेकिन अब ये राउंड आउट जो है, अब ट्रक जो है ट्रक को छोड़ देने, लेकिन राउंड आउट जिसका फरकलारी नहीं है यूसीसी इस राउंड आउट को देना नहीं चाहिए, ओके बसला करके और सरकार को फरबेर फरकलार करना चाहिए। माना कि 110,000 भर दे तो अब लकड़ी ले जा सको, अब ट्रक ले जा सको, नहीं, लकड़ी कहां कटलो है, केकरे इजाजत से और कब से ये धंधा हो रहा है। भैया बहुत गड़बड़ देश में, बहुत चोर हम बताए रखा का बारी चोर निकल गए देश में। देखो एक बात हम आपके कह दी भाई, गयाना में, गयाना के समुन्दर सुरीनाम और गयाना के खरंज पर तेल मिला, तेल तेल मिला भैया, सरनाम तेल खोजत खोजत थक गया, लेकिन अब गयाना में जब तेल इतना ढेर से ढेर, बहुत से ढेर तेल वहां मिला है तो गयाना की सरकार अब ये समस्या को आगे बढ़ाएगा। सुरीनाम सा ले रिंग मुत ट्रकन बाय द ऑनवेकलिंग इन गयाना दैट सिख ऑनपॉप्ड ऑनपॉप्ड एज एन ग्रोटे स्पेलर इन द ओली सेक्टर। गयाना में तेल मिला काका, इतना तेल जहां तक हम सोची मिलियार्डन मिलियार्डन की बात हम सुन ली है, और सन्नाम यहां खोजे वहां खोजे यहां खोजे कुछ नहीं, अब गयाना हाहाकार करके तेल पाया वहां। अब देखो क्या हुए गयाना के सरकार, हम जहां तक हमें पता चला गयाना का प्रेसिडेंट ग्रेंजर दिसंबर महीना में सुरीनाम में आ रहा है, सुरीनाम का प्रेसिडेंट देसी बाउटर से बातचीत करने के लिए, अब पता नहीं है कि वो खरंस के बारे में बात करेगा या तेल के बारे में बात करेगा। जहां तक हम सोच रहे हैं वो तेल के बारे में बात करेगा, क्योंकि ये तेल जो गयाना में मिला अगर वो के समय पर नहीं निकाला जाएगा तो सब तेल शायद जमीन के नीचे बैठ करके वेनेजुएला की तरफ चला जाएगा। हमारे प्यारे प्यारे लोग, हमारे सुरीनाम की तमाम जनता, अब हम आप लोग को संदेशा और आगे देने जा रहा हूं, और वो संदेशा ये है प्यारे लोग, वो संदेशा यह है, एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, द पुलिस फॉर निकेरी एक डीर एंड एक्सपोर्टर यही हा को गिरफ्तार की है कोरोनी में, डीर एंड एक्सपोर्टर
और काहे के एकरे पास बाकी में ओतो के बाकी में डर तक खेल पादन 30 गो खेचो ही ये कहीं से पकड़ करके और शहर को ला रहा था बेचने के लिए जो फरदाख्त हो गया ओवर कबराख नार है बीरो अलवार हेम ना ओवरलेग मेट एन लिट फॉर द ओपनबार मिनिस्टरी एन बूते फॉर 3500 वेट ऑफ खिचो ही पकड़ के ला रहा था बप्पा और ये बेचत यहां बस ये गिरफ्तार हो गया और सिपाही सब बसलाख में ले लिया है। भैया जी एक लौंडा एक स्कोलीर मिशेल अमोइडा एक बस में अमोइडा जो बैठ सफर कर रहा है उसी बस में एक लड़की भी है और बातें बातें में लड़किया के मुंह से कुछ बात निकल गई कि तू क्या बोले अमोइडा तू तो दूसरे लोग के कपड़ा चोरी कर करके पहनते हैं फौज फरदख्त हज दाम हेम खपेस दत है क्लीर फॉर अंदर मेंशन आम दूत एंड दत है अन तवा मान इस बस लौंडुआ को बेइज्जती किया वो लड़किया कि तू क्या बोले हमें फीस करत है बीच में तू कहा हमें सेवा कर पाइए दूसर के कपड़ा चोरी करके पहनते हैं तो हमें तब सेवा करिए हमें कैंग कैंग डायरेक्टर और सब जरूरी तो कौन किन के दे पाइयो लौंडा कुछ न बोली उतर गए बस लौंडा क्या करीस बप्पा लौंडा एक रोज पीस दो चार के बीरी और लड़किया उनके सामने आ गया फिर से लिप हार तक मुफ एम फ्रुखार और सही दखीन एस डी हेम हाथ का प्लाह एन के लड़किया कुछ न बोली बप्पा बस ये निकाल करके पहले तो मारी से एक घूसा घूसा जब मारी से तो बच्ची फ्लूर बस कैंची से शरीर में 3 जगह काट दिया चौंक दिया। अब ये लौंडा गिरफ्तार हुआ है 18 साल की स्कूली मिशेल अमोइडा अब इन्हें 12 महीना के सजा रेस्ट ने दे दिया कोर्ट में अब जाओ जेल काटो। देख लो का भाई मौसी कैसे कैसे छोटा छोटा चीज में कैसे लौंडन फंस जाता है बप्पा। आप सुनियो अब बतिया आ गए बीच में आप देवी फ्रॉड एक समस्या और सुख कर रहा है जिस मामला में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं सूरज हो हमारे भाइयों बहनों एक हाउट एक्सपोर्टर आखिफ्त किया है वीकस अपलिफ्टिंग एंड फॉल्सहेड एक खिफ्त यानी कि यह हाउट ले फ्रांसी सूरज ओ नकली कागज पत्र बना करके नकली कागज पत्र बनाया है कि वो एक बदरेफ को लकड़ी बेच करके दिया है हाउट ब्लॉकन जो कभी लकड़ी वो दिया नहीं लेकिन सूरज एडिवार्डो के साथ मिल करके और एसबीबी का 2 मीडिया वर्कर के साथ नकली कागज बना करके ऐसा लग रहा है कि ये सब एक हाउट एक्सपोर्टर को यानी लकड़ी बेच करके दिया है यानी कि एक काम करता उनका भी इस कागज पर दस्तखत किया एसबीबी का 2 काम करता और मीरी जहां पर लकड़ी गई है वहां का एक काम करता की लकड़ी आई यहां और सूरज जो बोले कि हम लकड़ी ले गई है
वो भी और ज्यादा फ्रेंड फलूता इनको मिला और मुमकिन है ये सब लोग पैसा बांट लिया है। अब ये सब गिरफ्तार हुआ है। मेजर वर्कस एस बी बी आंखो होजन फॉर फॉल्स हेट इन कसर किस्टर। ऐसन ऐसन चोर रोज कोई न कोई नया चोर देशवा में पैदा होता है। रोज नया चोर काका तुझे का बताई भैया। अब देखो आगे चल करके, अब यहां पर तो ढेर बात है। चोर लोग के नाम बहुत अखबार में आज है, कितना हम बताई कि चोरों कितना काका करी से। अब एक तमाशा सुनियो भौजी, अरे बप्पा रे बप्पा, इतना चोर इतना बज्जाती देश में होवत है। 44 साल का एल्फस, 53 साल का पॉल, 36 साल का पेसे, 55 साल का ऑरलांडो, 61 साल का योहानस डे, ये सब पांच लोग गिरफ्तार हुआ है। ये लोग कौन सी किया है, अब सुनिए तमाशा आप लोग। ये लोग नकली कागज बना करके, नकली एक्ट उक्त बना करके मशीन में, तो जाने मशीन में जब एक्ट तू बना दे जैसे कि बलोचिस्तान के है, ये जा करके ये सब बेटल आंदस है, ये सीबी बी में जा करके इंसर्ट करवाया है। फॉल्स कागज बना करके ऐसे लगे कि सब सूरीनामर है, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट जो फॉल्स तैयार किया गया सिर्फ बेलचल आंद्रस था। ये प्रदेश के लोग है, हॉलैंड के हो गए और कहीं होगा, ये लोग के वो तरीका के कागज बनल कि लगे कि सूरीनामर है, तो सेंट्रल ब्यूरो फॉर ब्यूरोक्रेसी का इन सबको लेस पर इनफोर किया आल सूरीनामर्स। Zodoende zijn deze buitenlanders op onrechtmatige wijze houders geworden van Surinaamse paspoorten. Zeg wat jullie mooi zien. John Nakalik Karajwa Bana. Toen jullie aan het kelen op Paisa Chapde, die zei dat bank in je Paisa Chapi is. Is wat computer, is een machine, is je kagaj log in de Banadia. Bas is een keer Surinamers. बस इन्हें जाकर के सेंट्रल ब्यूरो वहां रजिस्टर किया और ये लोग को सब नाम के पासपोर्ट दे दिया गया, ये लोग को आइडेंटिटी कार्ड दे दिया गया। ये 36 साल का फरदाख्त पैट्रिक से इस आमतनार बी सी बी बी देश साथ इस 39 यार रिंगशो टुनाई आलियास मेउस ये भी गिरफ्तार हुआ, जो ये सब लोग के लिए कागज पत्र बनवाया है। समझ गए काकी, सगरो चोर हम तो क्या बताएगा, न जाने मिनिस्टर क्या करता है और न जाने सरकार क्या कर रहा है। चोर जहां चोर, लकड़ी चोरी करता वहां नकली कागज बनता, ये नोटारस भैया सगरो चोर ही चोर। एक बात और सुनो, सेंटिया फाल्सटाइन मोंटनोर रिकार्डो हा इनके सामने खड़ा है, रेस्टर के सामने, क्योंकि 9 साल का बच्ची को यह बलात्कार की है। यही तो चिजवा जैसा हो गए, छोटा छोटा बच्ची का जिंदगी ये लोग तबाह करते हैं। मौसी हम और का बताई का न बताई, बाकी ये सब चीज जसवा में हो रहा है। हम चाहते हैं कि माता पिता अब तनी से दिमाग सफा करो, अब तनी सोचने का विचार करो कि तुम्हारा देश में क्या हो रहा है, बच्ची का जिंदगी तबाह ही तो आप तनी होशियार हो जाइयो। कोर्ट कचहरी हो रहा है, आगे चल करके जो बात होगा हम आपके सामने रखेंगे। मोई से रहियो, अच्छा से रहियो, और मुंह लटका लटका करके मत रहना, क्योंकि जो लोग मुंह लटका लटका करके रहता है तुम्हारा दिमाग पर असर आता है, फरस्तान पर,
और अगर तुम मुंह लटका करके बैठा रही हो तो दिमाग फुर्स्त हो जाए और तुम्हारा दिमाग में यानी स्टार्टिंग शुरू होने लगेगा, और जहां स्टार्टिंग शुरू हो तुम्हारा दिमाग में तो तुम्हें पगला हाउस लोग कर देगा ले जा करके, पगला हाउस में पागल खाना लोग बोलते हैं यहां। अच्छा से रहियो, हम आपसे मुलाकात करेंगे।